Hello, hi, this is Anamika and welcome to Metro TV. देश भर में गणपति महोत्सव की धूम है। बॉलीवुड और टीवी स्टार्स इस फेस्टिव को लेकर काफी एक्साइटेड है। गणेश चतुर्थी के दिन कई टीवी और बॉलीवुड सेलेब्स अपने फ्रेंड गणेश को घर लेकर आए। इस दौरान कहीं गुलाल उड़ते हुए देखा तो किसी को ढोल की थाप पर ताल देते हुए। मेट्रो टीवी ने टीवी सेलेब्स के इन मोमेंट्स को कैमरे में किया कैप्चर, तो चलिए दिखाते हैं इनके भी कुछ अलग रंग। बॉलीवुड की सबसे हॉट एंड सेक्सी हीरोइन रह चुकी शिल्पा शेट्टी अपने घर में गणपति बप्पा को बड़े जोरों शोरों से अपने घर जाने के लिए आई। लेकिन आपको बता दें कि इस बार शिल्पा शेट्टी अपने घर पर इको फ्रेंडली गणपति ले आई हैं। एक है हमारा रिश्ता उनके साथ, प्राइवेट है वो। मेरी बहुत मान्यता है और इस बार संतोष ने बहुत कमाल काम किया है मेरे लिए। स्पेशली आई थिंक ये पहली मूर्ति होगी जो उन्होंने माटी में बनाई है, तो बाकी सारे पीओपी में बनाते हैं, वो एक्सपर्ट है, लेकिन पहली बार इन्होंने स्पेशली शालू में बनाई। और बहुत मुश्किल होता है इस किस्म की मूर्ति को, इतने बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ बनाना पड़ता है, तो इन्होंने ये काम कर दिया। क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं अभी इको फ्रेंडली गणपति लेके आऊँ, और मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, अगर हो सके प्लीज़ इको फ्रेंडली ही बनाइए गणपति, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, पानी में गंदगी कितनी बढ़ गई है। अगर हम लोग ये शुरुआत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बहुत सफ़र करेंगे। वाह मैडम, ने तो भगवान के प्रति आस्था के साथ साथ पोल्यूशन का भी ध्यान रखा है, ये तो बहुत ही अच्छा कर रही है मैडम। मिले जब हम तो मेरी आशिकी तुमसे ही और नागिन जैसे शो से पॉपुलर स्टार अर्जुन बिजलानी भी अपने घर में बड़ी धूमधाम के साथ गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आए हैं। गणपति बप्पा को घर लाने के लिए अर्जुन अपने 1.5 साल के बेटे और फैमिली मेंबर्स के साथ निकले। इन जनाब का कहना है कि उनको गणपति ने बहुत कुछ दिया है और बप्पा उनकी रक्षा करते हैं। देखिए आई थिंक मेरे लिए जब से अयान आया तब से टचवुड बप्पा मेरे पर बहुत मेहरबान है, और इस बार मैं हर साल उनकी उतनी ही श्रद्धा से सेवा करता हूँ और इस साल भी वही करूँगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा करने वाला हूँ, मैं हर साल उतने ही दिल से उनकी सेवा करता हूँ। और ख़ास इसलिए है क्योंकि अयान है इस बार साथ में और वो बहुत एंजॉय करता है, एंड ही इज़ क्वाइट, मतलब वो जब भी गणेश जी की मूर्ति देखता है तो जय जय करता है, या कोई भी भक्त पैर पड़ता है तो इट्स वेरी शॉकिंग कि 1.5 साल का बच्चा इतना सब कुछ कर लेता है। सो लाइक आई से ही इज़ अ गॉड्स चाइल्ड एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन लाइक एवरी ईयर बहुत धूमधाम से, और विसर्जन भी बहुत धूमधाम से करें। गणपति बप्पा मोरया, थैंक यू। बनू में तेरी दुल्हन से घर घर में पहचान बनाने वाले शरद मल्होत्रा भी ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को अपने घर ले आए हैं। शरद मल्होत्रा अभी फिलहाल कलर्स के शो कसम सीरियल में लीड रोल निभा रहे हैं। शरद गणपति को अपने घर लाने के लिए बेहद ही एक्साइटेड हैं और साथ ही गणपति बप्पा के खूब नारे लगाए। वेल, शरद भी गणपति को अपने घर ले जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। आई थिंक द बेस्ट डे ऑफ द ईयर, आई थिंक हर साल की तरह वो दिन आ गया है जब आज मैं पापा को घर लेके जा रहा हूँ। आई थिंक इस साल के लिए, इस दिन के लिए हम लोग सब वेट करते हैं। अगले 11 दिन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं हम सब के लिए। सो आई थिंक इट्स द रॉक स्टार्स बैक, सो वी आर होपिंग कि कल से जो है कमाल की शुरुआत होगी सबकी। सो आप लोग प्लीज़ घर पे आइएगा, बिकॉज कल से पापा की जो है बहुत पूजा होने वाली है एंड बहुत लोग आने वाले हैं, बहुत से उनका अच्छी तरह स्वागत करेंगे। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। दिखाते हैं स्टार्स के घरों में पधारे गणपति की देखरेख कैसे हो रही है, किस तरह से उनका ध्यान रखा जा रहा है और कैसे इस फेस्टिव को स्टार्स सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के जाने माने सेलेब्स के घरों से। बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर के घर पर गणपति बप्पा का ओकेजन बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अनिल कपूर के घर में इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स ने शिरकत की है।
इस फंक्शन में अनिल कपूर के भाई और एक्टर संजय कपूर ने भी शिरकत की। इस फेस्टिव में बॉलीवुड की प्रोड्यूसर फराह खान भी अपनी तीनों प्यारी प्यारी ट्विंस लिटिल गर्ल के साथ पहुंचे और डायरेक्टर डेविड धवन, सतीश कौशिक और कई स्टार्स पहुंचे। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा ने अपनी पूरी फैमिली संग गणपति बप्पा को अपने घर लाए। गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने भी गणपति की जोरों शोरों से स्थापना की है। साथ ही गोविंदा इस पूजा को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं दी हैं। गोविंदा तो इस फेस्टिव को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और खूब पसंद कर रहे हैं। पिता की पूजा करने के बाद प्रथम पूजा के प्रार्थना के सर्वमान्य भगवान गणेश जी की आज गणेश चतुर्थी की सभी चाहने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप ये सदैव प्रेम जो है ये रहे, और साथ साथ ये प्रार्थना करता हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा। बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे जितेंद्र सिंह और उनके बेटे तुषार कपूर के घर पर गणपति की खूब धूम मची हुई है। जितेंद्र की फैमिली में ये पूजा कई सालों से चलती आ रही है। तुषार ने बताया कि किस तरह से बप्पा का स्वागत करते हैं। हर साल करते हैं पप्पा का स्वागत इसी स्टाइल में, लेकिन इस बार हमने नीचे किया है क्योंकि देयर इज अ न्यू मेंबर इन द फैमिली, तो एक अलग तरीके से किया इस साल, बट द फीलिंग इज द सेम, द सैंक्टिटी इज द सेम। और हमारे घर जब मेहमान के तौर पर पप्पा आते हैं तो हम ऐसे ही स्वागत करते हैं हर साल। 40 ईयर्स हो गए अभी, ओवर 40 ईयर्स। और जितेंद्र ने बताया कि अपने घर में उनको ये फेस्टिव मनाते हुए 40 साल हो चुके हैं। इस घर में 40 ईयर्स हो गए। मुझे जब से होश आया, जब से मैं कुछ 5-6 साल का हूँगा, मैं बापा की पहली आरती तो हमेशा अटेंड करता हूँ। वो गिरगाम से शुरू किया था। जब मैं पाली हिल पे शिफ्ट हो गया तो मैं बापा की आरती पाली हिल पे भी करता था। मेरे पुराने दोस्त जो गिरगाम के हैं वो वहाँ आते थे, और अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो यहाँ से मैं हर साल जब से मैं निकला हूँ गिरगाम से, पर जहाँ भी मैं होता हूँ मैं बापा की पहली आरती पहली वाड़ी जिसे कहते हैं वो मैं करता हूँ। अभी इसलिए मैं अभी जाने वाला हूँ गिरगाम, मेरी पहली आरती की वेट हो रही है। मेरे पुराने दोस्तों को बापा को वहाँ मैं रिसीव करूँगा, उसकी आरती करूँगा, फिर मैं जो कुछ करना है करूँगा। और ये मैं चाहे अमेरिका में हूँ या कहीं भी हूँ, ये दिन मैं बम्बई में कैसे भी करके पहुँचता हूँ। एक दो बार प्रॉब्लम हो रहा था पर मैं पहुँच गया और पहली आरती मैंने कर ली। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, ये बापा का आशीर्वाद है कि उसके आरती करने के लिए ये मौका मिलता है मुझे। जितेंद्र कभी भी गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करना नहीं भूलते हैं। और अब टीवी स्टार्स के घरों में चल रहे गणपति फेस्टिव पर नजर डालें, तो सबसे पहले चलते हैं अंकित बाथला के घर पर। अजब गजब घर जमाई और थपकी प्यार की जैसे शोज के एक्टर रहे अंकित बेथला अपने घर पर बेहद की खूबसूरत गन्नू घर लाए हैं। इन्होंने अपने गणपति को खूब सजाया है, लेकिन बेहद ही सिंपल और शांति से अंकित इस बार गन्नू की पूजा कर रहे हैं। इस बार अंकित ने इस फेस्टिव पर कुछ स्पेशल और अलग किया। साथ ही अंकित बेथला ने इस फेस्टिव पर हमारे व्यूअर्स यानी कि आप सभी के लिए खूब विशेष दी। वेल स्पेशल ऑफ कोर्स बप्पा हमेशा की तरह स्पेशल हैं, और स्पेशल हैं आप लोग क्योंकि आप लोग इस बार मेरे घर आए हैं। सो आई थिंक आई रियली वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई जस्ट होप कि बप्पा आप सबकी विशेज भी पूरी करें और सब हमेशा खुश रहें। वेल अंकित बेथला तो सिंपल तरीके से इस फेस्टिव को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही अब टीवी स्टार हर्षिता भट्ट के घर चलते हैं, जहां हर्षिता ने भी बड़े जोरों शोरों से गणपति की स्थापना की है और उनकी देखरेख कर रही हैं। हर्षिता ट्रेडिशनल लुक में गणपति को और खुद को कैरी किया है। हर्षिता इस फेस्टिव को लेकर एक्साइटेड है। एक्चुअली ये एक ऐसा त्यौहार है जो इतनी खुशियाँ ले आता है। बप्पा इतने ज़्यादा प्रिय हैं, लोकप्रिय तो हैं ही मतलब, मगर मेरे लिए भी है। एंड बचपन से आते हैं, क्यूट से गणपति हैं, वो एक्चुअली यही सिग्निफाई करते हैं कि आपके अंदर का जो बच्चा है उसे हमेशा आप अलाइव रखें,
जैसे यू नो खुश रहें, उनमें इतनी इनोसेंस है, क्यूट से होते हैं, पेट ऐसा होता है उनका. तो आई थिंक वो इनकी जो पूरी जो एक स्ट्रक्चर है बहुत चीज़ें सिग्निफाई करती हैं. और मेरे ख्याल से कि क्योंकि मैं ये बचपन से कर रही हूँ, मुझे इतना फैसिनेशन रहा है स्पेसिफिकली विद गणपति. एंड हम कुछ भी करते हैं उसके पहले हम श्री गणेशाय नमः कहते हैं और करते हैं. तो आई थिंक अच्छा लगता है. मैं रिलीजियस तो नहीं पर बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो मगर ऐसा है कि गणपति बाप्पा पर्सोनिफाइज सो मच एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है ये त्यौहार मनाना. वेल, हर्षिता ने जाते जाते अपने फैंस के लिए विशेज भी दी. मैं बस यही कहना चाहूंगी, हमेशा खुश रहे एंड बस गणपति बप्पा मोरिया. तो अब जाते जाते कुछ और सेलिब्रिटी के घरों में गणेश चतुर्थी की मची धूम पर नजर डालते हैं. ससुराल गेंदा फूल से अपनी पहचान बनाने वाले जय सोनी भी अपने घर में गणपति की स्थापना की और अपनी फैमिली के साथ वो इस फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं. और स्टार प्लस का शो साथ निभाना साथिया की स्टार कास्ट ने भी अपने शो के सेट पर इस फेस्टिवल को मिलकर सेलिब्रेट किया है. स्टार कास्ट ने यही पर गणपति बप्पा की स्थापना और पूजा कर रहे हैं. इस फेस्टिवल को लेकर सभी लोग बड़े ही खुश है. वेल, अब मेट्रो टीवी की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं. एंटरटेनमेंट डेस्क, मेट्रो टीवी. वेल, इस शो में इतना ही. बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए भी विद मेट्रो टीवी. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.